नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। जन भागीदारी से लगेगी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी व महाराज मातंड सिंह की प्रतिमा। MIC सदस्य स्वतंत्र शर्मा व धनेंद्र सिंह ने लिखा महापौर को पत्र। रीवा नगर निगम के पार्षद द्वय MIC सदस्य स्वतंत्र शर्मा एवं धनेंद्र सिंह रीवा महापौर को पत्र लिखकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा शीघ्र लगाने का अनुरोध किया। इस पत्र में 31 मार्च 2017 क्रमांक 4 से का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यह प्रस्ताव परिषद में पारित है और इस दोनों महापुरुषों का रीवा के विकास अतुलनीय योगदान रहा, इसलिए यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए, जिस पर महापौर अजय मिश्र बाबा ने अपनी सहमति जताई है। इन स्थानों में लगेगी प्रतिमा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा SAF चौराहे में लगाई जाएगी। वहीं महाराज मार्तंड सिंह जुंदेव की प्रतिमा चौराहा बाईपास में स्थापित होगी। पार्षदों ने कहा जन भागीदारी से उठाएंगे खर्चा। पार्षद स्वतंत्र शर्मा व धनेंद्र सिंह बघेल ने इन महापुरुषों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए यह भी उल्लेख किया है कि जन भागीदारी के तरह लगने वाली इन महापुरुषों की प्रतिमा का खर्च भी उठाएंगे। महापौर जी, ये महाराजा मातंड सिंह और श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा लगाने की बात रीवा में चल रही है, पता चल रहा है कि आपकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, कहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए, क्या है कि पिछली परिषद के बैठक में ही जो हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया 2019 का, उसी में हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था परिषद में कि स्वर्गीय महाराजा मातंड सिंह, स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी और स्वर्गीय जयराम प्रसाद शास्त्री जी की प्रतिमा लगाने का स्थान चिन्हित किया गया था। तो उसमें महाराजा मातंड सिंह जी की उसका स्थान बाईपास में था और श्री श्रीनिवास तिवारी जी का SF चौराहे था, मेरे ख्याल से ऐसे ही था वहाँ पर। तो ये बहुत दिन से विलंबित मामला चल रहा था कि इनकी प्रतिमा लगाना है। ये हमारे रीवा के धरोहर हैं। इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर, जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई से लेकर, गरीबों के उत्थान की लड़ाई से लेकर, हर चीज़ में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का योगदान था। लोह पुरुष थे वो, विंध्य के प्रदेश के नेता थे। उन्होंने हमेशा गरीब, मजदूर, असहाय, बेरोजगार, युवा, वृद्ध सभी की मदद की। वो एक इतिहास थे रीवा के। ऐसे पुरोधाओं की प्रतिमा लगाने से युवाओं को, आने वाली पीढ़ी की युवाओं को प्रेरणा मिलती है। स्वर्गीय महाराजा मातंड सिंह रीवा रियासत के नहीं, पूरे विंध्य के महाराजा थे, अंतिम नरेश थे, और उनके स्वर्गवास के बाद से लगातार उनकी प्रतिमा लगाने की बातें उठ रही थी। आज तक उनकी प्रतिमा नहीं लगाई गई, ये बड़ा खेद का विषय है। ये सब पूर्वजों के आशीर्वाद से मुझे एक मौका मिला है कि मैं रीवा का महापौर बना हूँ। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि इनकी प्रतिमाओं को रीवा में लगवाऊँगा, और कोशिश अपनी ये है कि ये साल भर में लग जाए। इसके लिए मंजूरी भी शायद हो चुकी है? मंजूरी पहले से हो चुकी है। मैंने आयुक्त से बोला है कि इनकी निविदाएँ निकलवाई जाए और इनकी प्रतिमाओं को स्थापित कराया जाए। जो नियमन होगा उस नियम से ही कार्य किए जाएंगे।